आपने ट्वीट किया है कि गुलाम नबी आजाद और सिंधिया को गद्दार न कहें तो क्या कहें? सही तो बात है, आप बताइए क्या और बात, आप बता दीजिए वो क्या है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अदावत पुरानी है, बीच बीच में ये अदावत सियासत में भी दिख जाती है। एक बार फिर मंडला पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर बड़ी बात कह दी। दरअसल जब मीडिया ने दिग्विजय सिंह से गुलाम नबी आजाद और सिंधिया को लेकर सवाल किया तो सुनिए दिग्विजय सिंह ने कैसे सिंधिया को गद्दार तक कह दिया। गिड़गिड़ा रहा है सबके सामने। आपने ट्वीट किया है कि गुलाम नबी आजाद और सिंधिया को गद्दार न कहें तो क्या कहें? सही तो बात है, आप बताइए क्या और बात, आप बता दीजिए वो क्या दें। वहीं दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के अलावा बीजेपी और आरएसएस को भी निशाने पर लिया। इस देश में लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा है जो जोड़ती है, दूसरी विचारधारा है जो तोड़ती है। एक विचारधारा प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा पर चलती है। दूसरी विचारधारा जो संघ की है, भाजपा की है, वो समाज को तोड़ती है, नफरत फैलाती है, हिंसा फैलाती है और धर्म के नाम पर ये लोगों को गुमराह करते हैं। अरे इस देश में हर धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई हैं और सबको अधिकार समान मिला हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया उसमें सबको समान अधिकार है। लेकिन ये पूरे तरीके से देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस में रहते हुए भी सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद नजर आते रहे हैं। सियासी जानकार सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की वजह दिग्विजय सिंह को भी मानते हैं। एमपी में ये चुनावी साल है, दिग्विजय सिंह अब खुलकर सिंधिया के खिलाफ बोल भी रहे हैं और सिंधिया के गढ़ में सेन लगाने में जुटे हैं। मंडला से सैयद जावेद अली की रिपोर्ट एमपी तक।